नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय दौरे के तहत लैंसडाउन विधानसभा के जयहरीखाल ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना होम स्टे के अंतर्गत बन गृह आवास का उद्घाटन और निरीक्षण किया। देखिए समाचार इंडिया की रिपोर्ट। बता दें, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष टिहरी झील में हुई कैबिनेट मीटिंग में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। आज उत्तराखंड के देश के उन ग्रामीण राज्यों में है जिसमें पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया है। जो सुविधा हम उद्योग को देते हैं, वही सुविधाएं इस योजना को मिल रही है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2020 तक पूरे उत्तराखंड में 5000 होम स्टे बनाए जाएंगे। इस योजना से जुड़ी सभी लाभार्थियों को अब घरेलू दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अभी पिछले वर्ष हमारी एक कैबिनेट हुई थी नई टिहरी झील में, और उसमें हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। और देश में आज उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में है जहां पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो सुविधाएं हम उद्योगों को देते हैं, एमएसएमई के अंदर जो फैसिलिटीज हम देते हैं, छूट देते हैं, वो तमाम अब इस योजना को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो हमने अतिरिक्त किया है होम स्टे के लिए, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा कि 2020 तक हम उत्तराखंड में 5000 होम स्टे तैयार करेंगे, तो हमने उसमें जो बिजली का व्यय है, बिजली का जो भाड़ा है, वो अभी तक कॉमर्शियल है। अब हम उसको बहुत जल्दी इस महीने हम उसको घरेलू दरों पर इनको बिजली उपलब्ध कराएंगे। मैं समझता हूँ कि उसे जहाँ एक और नौजवान और जो अपना काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं जो पर्यटक देश और दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं उनको उत्तराखंड को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया। खबर से लेकर असर तक।